हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुगर इंजीनियरिंग कमिटेड टू एक्सीलेंस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मैकेनिकल सील। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल सील्स के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज मैकेनिकल सील, द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सील, कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिकल सील एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील। आज हम बात करेंगे कि मैकेनिकल सील क्या होती है, मैकेनिकल सील कैसे काम करती है, मैकेनिकल सील्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कितने प्रकार की मैकेनिकल सील्स होती हैं। व्हाट इज मैकेनिकल सील? ए मैकेनिकल सील इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्लूइड लीकेजेस इन रोटेटिंग इक्विपमेंट सच एज पंप एंड कंप्रेसर। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू सील द गैप बिटवीन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड द स्टेशनरी पंप। मैकेनिकल सील्स हमारे पंप्स और कंप्रेसर में यूज़ होती है, जिसका काम होता है कि किसी भी फ्लूइड लीकेजेस को प्रिवेंट करना, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द मैकेनिकल सील। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी मैकेनिकल सील है। मैकेनिकल सील में दो मेन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है स्टेशनरी कंपोनेंट, जो कि ये हमारा स्टेशनरी कंपोनेंट है। सेकंड होता है हमारा रोटेटिंग कंपोनेंट, ये हमारा रोटेटिंग कंपोनेंट है। नंबर वन, जैसा कि हम यहाँ पे देख के चलेंगे, नंबर वन इज स्टेशनरी रिंग। जो रिंग हमारा स्टेशनरी साइड दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी रिंग, ये हमारा स्टेशनरी रिंग हो गया। नंबर सेकंड इज रोटेटिंग रिंग। जो भी रिंग हमारा रोटेटिंग साइड दिया गया है उसको हम मूविंग रिंग या फिर रोटेटिंग रिंग बोलते हैं, ये हमारा रोटेटिंग रिंग हो गया। नंबर थर्ड इज द ग्लैंड। नंबर फोर इज द कोलर, आल्सो नोन एज द पुश रिंग्स, दीज आर द पुश रिंग्स। नंबर फाइव इज द स्प्रिंग, दिस इज द स्प्रिंग। एंड स्प्रिंग इज यूज टू मेक अ सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टेशनरी रिंग एंड द रोटेटिंग रिंग। नंबर सिक्स इज लोकेटिंग रिंग, इसको हम पोजिशनिंग रिंग भी बोलते हैं। नंबर सेवन इज स्लीव शाफ्ट। नंबर एट इज ओरिंग फॉर रोटेटिंग रिंग एंड नंबर नाइन इज ओरिंग फॉर स्टेशनरी रिंग। जो भी रिंग हमारा रोटेटिंग साइड यूज होगा उसको हम रोटेटिंग रिंग बोलेंगे, मीन्स ये हमारा रोटेटिंग साइड है तो ये जो रिंग लगा हुआ है इसको हम रोटेटिंग रिंग बोलेंगे, और ये जो रिंग हमारा स्टेशनरी साइड लगा हुआ है इसको हम ओरिंग फॉर स्टेशनरी रिंग बोलेंगे। आई थिंक यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस हाउ डज अ मैकेनिकल सील वर्क। एज शोन इन दिस डायग्राम, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप और इसमें मैकेनिकल सील्स लगी हुई है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यह मैकेनिकल सील है। दिस साइड इज़ द रोटेटिंग पार्ट और ये जो साइड है ये हमारी स्टेशनरी साइड है और स्टेशनरी पार्ट। जो भी रिंग्स हमारे स्टेशनरी साइड यूज़ होंगे उसको हम स्टेशनरी रिंग्स बोलेंगे, और जो भी रिंग्स हमारे रोटेटिंग साइड यूज़ होंगे उसको हम और रोटेटिंग पार्ट्स या रोटेटिंग रिंग्स। ए मैकेनिकल सील वर्क बाय क्रिएटिंग ए बैरियर बिटवीन द रोटेटिंग एंड स्टेशनरी कंपोनेंट्स और पंप और अदर रोटेटिंग इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द लीकेजेस ऑफ द फ्लूइड। एक मैकेनिकल सील जो होता है वो एक बैरियर क्रिएट करता है एक रोटेटिंग और स्टेशनरी कंपोनेंट के बीच में, जिससे हमारा लीकेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। हियर इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कि हमारा मैकेनिकल सील कैसे काम करता है। द मैकेनिकल सील कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, ए रोटेटिंग फेस एंड ए स्टेशनरी फेस। द रोटेटिंग फेस इज अटैच टू द शाफ्ट एंड रोटेट विद इट, while the stationary face is fixed with by creating a contact surface within the surface or the compressor casing. हमारा mechanical seal में दो part होता है, ये rotating part है
और ये स्टेशनरी पार्ट। रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट के बीच में हमारा एक सरफेस कांटेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि हमारा प्रिवेंट करता है लीकेजेस को। अब ये सरफेस कांटेक्ट क्रिएट किसके थ्रू होता है? वो होता है स्प्रिंग के थ्रू। द रोटेटिंग एंड स्टेशनरी फेसेस कम इनटू कांटेक्ट क्रिएटिंग ए सीलिंग इंटरफेस। जो हमारा रोटेटिंग और स्टेशनरी फेस है वो एक दूसरे कांटेक्ट में आके एक सीलिंग इंटरफेस बना देता है। दीज फेसेस आर ऑफन मेड ऑफ मटेरियल लाइक कार्बन सिरेमिक एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन एप्लीकेशंस। ये हमारी रोटेटिंग सीट है और ये हमारी स्टेशनरी सीट है। रोटेटिंग सीट जब रोटेट होती है तो एक सीलिंग इंटरफेस बना देती है स्टेशनरी सीट पे, जिससे कि हमारा लीकेजेस को प्रिवेंट किया जाता है। और ये स्प्रिंग यूज़ होता है, ये एक स्प्रिंग इस पे फोर्स अप्लाई करता है जिससे हमारा रोटेटिंग सीट और स्टेशनरी सीट के बीच में एक सरफेस कॉन्टैक्ट बना रहे या सीलिंग इंटरफेस बना रहे। स्प्रिंग्स और अदर मैकेनिज्म आर यूज टू अप्लाई ए कंट्रोल्ड फोर्स बिटवीन द रोटेटिंग एंड द स्टेशनरी फेसेस। दिस फोर्स एंश्योर्स कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन द फेसेस मेंटेनिंग एन इफेक्टिव सील। एज द इक्विपमेंट ऑपरेट द मैकेनिकल सील प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फ्लूइड्स लिक्विड और गैस फ्रॉम द सिस्टम। एडिशनल कंपोनेंट सच एज ओरिंग इलास्टोमेरिक एलिमेंट्स प्रोवाइड द सेकेंडरी सीलिंग टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैकेनिकल सील। द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील, जनरली फाइव टाइप्स की हमारी मैकेनिकल सील होती हैं। नंबर वन इज वेलो टाइप मैकेनिकल सील, नंबर टू कार्टेज मैकेनिकल सील, नंबर थ्री स्प्लिट मैकेनिकल सील्स, नंबर फोर कॉनिकल मैकेनिकल सील्स एंड द लास्ट नंबर फाइव इज द स्प्रिंग मैकेनिकल सील। वी विल डिस्कस ऑल दिस फाइव टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।